30 रन 40 रन रामगढ़ की ओर से सलामी बल्लेबाज अमित और करनी स्ट्राइक बैट्समैन अमित नॉन स्ट्राइक करनी बोले 40 रन कहां तक मैच जाएगा वो तो देखना होगा। एक और का देने का नियम है चले भाई प्रदीप चले अमित के लिए शानदार बॉल हल्के हाथों से खेला सिंगल के जरिए स्कोर है 1 रन अब पहली बार सामना करेंगे करनी प्रदीप चले करनी के लिए शानदार शॉट है शानदार फील्डिंग वहां पर है लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए सुरेश रैना की जैसी फील्डिंग लेकिन दो रन को नहीं रोक पाए दो रनों के जरिए स्कोर जा पहुंचा 3 रन है प्रदीप करनी के लिए उठाकर मारा है पीछे खिलाड़ी मौजूद कैच आउट पहला विकेट मिलता हुआ प्रदीप को पहली सफलता मिलती हुई जताश्री को हेलो मैडम कुपेट यूट्यूब सुदानपुरा के कैप्टन कमेटी रूम में आके टॉस कर लें श्वास के रूप में आए हैं महावीर एक विकेट लेने के बाद खतरनाक साबित होते हुए प्रदीप सामना करेंगे महावीर उठाकर मारना चाहते खराब बोलती उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए था लेकिन नहीं शानदार बॉलिंग करते हुए प्रदीप अपनी टीम के लिए एक विकेट दिलाया चले प्रदीप महावीर के लिए फुल टॉस बॉल थी शानदार फील्डिंग वहां पर इसी सिंगल के जरिए स्कोर जा पहुंचा 4 रन कमेटी के सदस्य टॉस करवाए इसके बाद में मुकाबला होगा सुदानपुरा और सरदारपुरा और मुंडश्री के मध्य प्रदीप चले अमित के लिए उठाकर मारा है बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं 6 रन काफी बड़ा शॉट लगाया अमित ने इन्हीं 6 रनों के जरिए स्कोर जा पहुंचा 10 रन एक और की समाप्ति के बाद में स्कोर है 10 रन बची कटी 24 बोले 30 रन सुदानपुरा पहले बैटिंग सरदारपुरा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया टीम कोटे का दूसरा कोटे का पहला ओवर लेकर विनोद गोस्वामी काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास क्रिकेट के सामना करेंगे रामगढ़ के महावीर बस बाउंड्री पर आजा बाउंड्री पर 24 बोले 30 रन पावर प्ले खत्म हो गया है भाई बाउंड्री पे रख सकते हैं 30 गज के दायरे के 5 से प्लेयर बाहर रख सकते हो वहां पे
चले विनोद चले महावीर के लिए खराब बॉल थी, दिशा से बटके वाइट बॉल। अब चाहिए बची कची 24 बोले 29 रन। अच्छी बॉलिंग करनी होगी विनोद को, काफी उम्मीद करे बैठा है जतासरी, उनसे उठाकर मारा है पीछे खिलाड़ी रतास मौजूद। शानदार फील्डिंग बटर सिंगल से इसे दूर उठाना पड़ेगा। कमबैक करते हुए विनोद अब सामना करेंगे अमित, विमोचन अमित के लिए क्या तो खेला। अच्छी बॉल पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई, कुछ खास समझ नहीं सके, काफी लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास है। अच्छी बॉलिंग करते हुए विनोद बॉलर वाइट बॉल, इन्हें एक्स्ट्रा पर नियंत्रण करना होगा बतासरी के गेंदबाजों को। विनोद एक बार फिर अमित के लिए फिर उठा कर मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद लेकिन कुछ खास नहीं कर पाएंगे, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, अगर ऐसी ही गेंदबाजी करते रहोगे तो आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हो, और निश्चित तौर से हैंडल आपकी टीम पर गिर जाएगा। इन चरणों के जरिए रामगढ़ बी का स्कोर उछलता कूदता जय पहुंचा 19 रन। एक बार फिर विनोद टू अमित, क्या तो से खेला है, पहला रन तेजी के साथ है, दूसरे का प्रयास पूरा भी कर लेंगे। दोनों के जरिए स्कोर जा पहुंचा 21 रन है। अब चाहिए मात्र और मात्र 19 रन। काफी लंबा ओवर चलता हुआ विनोद के द्वारा, काफी महंगे होते हुए विनोद है। विनोद चले अमित के लिए उठाकर मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, प्रदीप है पहला रन तेजी के साथ है, दूसरे का प्रयास नहीं किया, इसे सिंगल के जरिए स्कोर जा पहुंचा 22 रन। अब चाहिए मात्र 18 रन। चले विनोद महावीर के लिए, काफी सुंदर बॉल हल्के हाथों से खेला, इसे सिंगल के जरिए स्कोर जा पहुंचा 23 रन। ओवरों की समाप्ति के बाद में रामगढ़ बी का स्कोर 23 रन है, बड़ी खुशी 18 बोले 17 रन है। टीम कोटे का तीसरा कोटे का पहला ओवर लेकर आएंगे जोगिंदर, क्या करिश्मा कर पाएंगे जोगिंदर, क्या विकेट ले पाएंगे वो तो देखना होगा। और मैं चेक कर कर चले जोगिंदर सामने है महावीर, अंपायर बताए क्या है, वाइड वाइड। अब चाहिए 18 बोले 16 रन। चले जोगिंदर महावीर के लिए उठा कर मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद एक दो लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए, दो रन मिले, इन्हीं दो रनों के जरिए स्कोर जा पहुंचा 26 रन। अब चाहिए मात्र 14 रन, यानी दो फ्री कटर, मैच फिनिश। चले महावीर के लिए हल्के हाथों से खेला, पेट के क्षेत्र में पीछे खिलाड़ी मौजूद, मात्र एक रन, इसी एक रन के जरिए स्कोर जा पहुंचा 27 रन। अब चाहिए मात्र 13 रन, क्या इससे ओवर में मैच खत्म होगा, क्या अमित दो बड़ी गाठर लगाएंगे देखना होगा। जोगिंदर चले अमित के लिए उठाकर मारना चाहते थे, अच्छी बॉल बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, नतीजे डॉट बॉल, स्कोर वहीं का वहीं रुका हुआ 27 रन। एक दो विकेट लेनी होगी इस मैच को जीतना है तो। चले जोगिंदर अमित के लिए पटकी हुई बॉल उठाकर मारा, पीछे खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग,
पैरों से रोकते हैं बॉल को, पहली बॉल भी पैरों से रोकी थी, अच्छी फील्डिंग, बोरन इन दोनों के जरिए स्कोर पर पहुंचा 39। अब चाहिए मात्र 11 रन। क्या इस ओवर में मैच खत्म हो गया, वो तो देखना होगा। जोगिंदर अमित के लिए दिशा से बट के वाइड बॉल, इसी बैट के जरिए स्कोर पर पहुंचा 30 रन। अब चाहिए मात्र 10। जोगिंदर अमित के लिए उठाकर मारना चाहते थे, अच्छी बॉलिंग जोगिंदर के द्वारा, शायद कैच ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने, पहला विकेट कैरियर का पहला विकेट मिल सकता था जोगिंदर को। जोगिंदर चले अमित के लिए, अच्छी बॉल, इतना अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी विकास मौजूद और की समाप्ति। फटाफट मैच को स्टार्ट करें दोनों अंपायर, शानदार ग्राउंड है जतासरी का, बहुत बड़ी बाउंड्री, प्रदीप चले अमित के लिए, उठा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अब चाहिए मात्र 11 बोले 5 रन। हैंडल निश्चित तौर से जतासरी पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है सुधीर, बोले 5 रन। एक बड़ा शॉट, एक बड़ी चूड़ी, एक बड़ी बैटर, मैच फिनिश। अगले मैच के लिए दोनों ही टीमें तैयार रही, प्रदीप चले अमित के लिए, उठा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद रोहतास, शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग रोहतास के द्वारा, टीम के लिए 2 रन बचाए, मात्र 3 रनों की आवश्यकता रामगढ़ बी को इस मैच को जीतने के लिए। प्रदीप चले अमित के लिए, उठा कर मारा है, क्या दूसरा विकेट मिलेगा, निश्चित तौर से खतरनाक बॉलिंग प्रदीप के द्वारा, बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रदीप ने की है, 2 विकेट लिए हैं। उभरता हुआ सितारा गांव जतासरी का अच्छा बॉलर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। बैट्समैन नेम सचिन राकेश, एक और विकेट पे का स्वाद चखने के बाद प्रदीप खतरनाक होते हुए, मात्र 3 रनों की आवश्यकता, सामना करेंगे राकेश, उठाकर मारा है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, पीछे खिलाड़ी रोहतास मौजूद, खतरनाक फील्डिंग, अपने टीम के लिए फिर एक बार 2 रन बचाए, मात्र 1 रन की आवश्यकता। अगले मैच के लिए दोनों ही टीम तैयार है, सरदारपुरा और मुंशी, अच्छा शॉट और मैच को जीत लिया रामगढ़ बी ने। आज के दिन का लास्ट मुकाबला सरदारपुरा और मुंशी के मध्य, जिसमें सरदारपुरा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया, अच्छा।